क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फिर से आपके पास ऑप्शन है ए डी का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट एक्स वन इज टू एंड वाई वन इज ग्रेटर देन जीरो अब वाई वन वो कह रहा है पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव हो है तो आप वाई वन कुछ भी सपोज कर सकते हो राइट right? तो चाहे टू लो चाहे थ्री लो चाहे वन लो चाहे फोर लो इट्स योर विश क्योंकि उसने क्या कहा y1 वन जीरो से बड़ा होना चाहिए तो अब उस केस में हम कंसीडर क्या करते हैं कि लेट x1 तो हमारे पास गिवन है टू एंड y1 मान लो हमारे पास थ्री है ग्रेटर देन हो गया गिवन है अब हम यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जो कर्व हमारे पास गिवन है सिक्सटीन एक्स स्क् प्लस नाइन वाई स्क्वायर इज वन फोर्टी फाइव डिफ्रेंशिएट करें तो so, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास आता है थर्टी टू एक्स प्लस एटीन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो दिस इज माइनस थर्टी टू एक्स अपॉन एटीन वाई ये आपके पास आ रहा है यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर दें तो ये आपके पास है माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन नाइन वाई ये तो आया डेरिवेटिव। अब हम स्लोप निकालते हैं इक्वेशंस निकालनी है तो स्लोप चाहिए तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन क्या है टू थ्री तो एक्स को टू और वाई को थ्री डालें तो माइनस थर्टी टू अपॉन ट्वेंटी सेवन दैट इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है दैट इज माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दैट इज ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टी टू अब हम निकालेंगे क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का दैट इज वाई माइनस वाई वन पॉइंट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन कितना है टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ट्वेंटी सेवन वाई माइनस ट्वेंटी कर दें तो 81 इज इक्वल टू माइनस को यहाँ ले जाएं दैट इज थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन वाई माइनस एटी वन माइनस सिक्सटी फोर इज जीरो तो यहाँ से जो आपके पास एक क्वेश्चन आ रही है वो क्या आ रही है थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन वाई माइनस वन फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट तो वही है टू थ्री तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ x माइनस एक्स वन तो थर्टी टू से मल्टीप्लाई करें दिस इज थर्टी टू वाई माइनस नाइनटी सिक्स इज ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस फिफ्टी फोर अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा इक्वेशन प्रॉपर लिखें तो दिस इज ट्वेंटी सेवन एक्स पॉजिटिव है तो वाई को वहां ले जाते हैं तो दैट इज माइनस थर्टी टू वाई यहाँ क्या है माइनस फिफ्टी फोर प्लस नाइन्टी सिक्स इज जीरो तो ये आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस थर्टी टू वाई प्लस फोर्टी टू इज इक्वल टू जीरो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो यही दो चीजें हमें निकालनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल राइट अब इसी का आपके पास ऑप्शन में जो और पार्ट है उस और पार्ट में उसने आपको क्या कहा इन विच ही सेट दैट यू हैव टू फाइंड दैट द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अब हमें क्या करना है फंक्शन गिवन है हमें फंक्शन को इंटरवल्स निकाल कर बताना है कि इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल पर और कौन से इंटरवल पर डिक्रीजिंग है तो इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं और उसे जीरो पुट करते हैं तो एफ डैश एक्स वो क्या हो जाएगा आपके पास फोर एक्स क्यूब अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स स्क् माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर और ट्वेल्व का डेरीवेटिव जीरो तो अगर हम जीरो पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्योंकि ये फोर से फोर कट रहा है आपके पास माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे इसके फैक्टर्स जो आपके पास हैं, वो आपके पास देखो अब इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं x प्लस थ्री दिस इज x माइनस टू और x माइनस फोर तीन फैक्टर्स आएंगे क्योंकि क्यूब में है अदरवाइज अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओ तो हम कैसे बनाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कि हम x को वन डालते हैं फिर टू डालते हैं टू पे सेटिस्फाई होती है तो फिर उससे डिवाइड करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हमारे पास इसके तीन फैक्टर्स आ गए टी से प्लस इन्फिनिटी यहाँ नंबर लाइन हमेशा ध्यान रखना किस ऑर्डर में करनी है पहले सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा अब हम लास्ट में क्या करते हैं ये चेक करते हैं कि आपके पास कौन से इंटरवल पर फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है और कौन से पर नेगेटिव आ रहा है तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो कि माइनस इनफिनिटी से माइनस थ्री के बीच की वैल्यू आप फंक्शन में पुट करते हो एफ डैश एक्स में अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग तो उस केस में आप ऐसे भी कर सकते हो अदरवाइज यू हैव टू फॉर्म अ टेबल आप टेबल बना सकते हो जिसमें वो आपको क्या कहता है सबसे पहले यू हैव टू राइट द इंटरवल्स फिर आप यहाँ पर f डैश एक्स लिखो और f डैश एक्स आपके पास क्या आ रहा है x प्लस थ्री एक्स माइनस टू एंड x माइनस फोर राइट और यहां आपके पास उसका क्या आ जाएगा रिजल्ट कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इंटरवल्स आपके पास क्या बनेंगे सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री फिर माइनस थ्री से टू हमेशा ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि क्लोज में ये दोनों वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाती हैं जिससे उस पर तो एफ डेक्स जीरो होता है तो लास्ट आया फोर से इन्फिनिटी अब इनके बीच की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री के बीच की वैल्यू मान लो माइनस फोर है इसमें पुट कर दो देखो हम इसमें नहीं पुट कर रहे इसमें पुट करना ज्यादा ईजी है माइनस फोर प्लस थ्री नेगेटिव हमें साइन चाहिए हमें पॉजिटिव वैल्यू से मतलब नहीं है हमें सिर्फ साइन से मतलब है माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स नेगेटिव माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट नेगेटिव तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो वैल्यू कैसे आ रही है नेगेटिव इसका मतलब इस इंटरवल पर फंक्शन कैसा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माइनस थ्री से टू के बीच की वैल्यू जीरो ले लें सबसे इजी है इसमें डालेंगे तो पॉजिटिव इसमें डालेंगे तो नेगेटिव इसमें डालेंगे तो फिर से नेगेटिव तो प्लस माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगी वैल्यू पॉजिटिव तो इसका मतलब इस पर आपके पास आएगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टू से फोर के बीच की वैल्यू डालें अगर हम थ्री डाल दें तो पॉजिटिव थ्री डालें तो पॉजिटिव और अगर हम थ्री डालें तो नेगेटिव तो वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसी तरह से फोर से इंफिनिटी के बीच की वैल्यू डाल रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव तो सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास पॉजिटिव तो ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ये आपके पास बनी टेबल अब लास्ट में फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि कौन से इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और कौन से पे डिक्रीजिंग है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन अब इंक्रीजिंग किस किस पर है इस पर इसका मतलब माइनस थ्री से टू और यूनियन कर दें फोर टू इन्फिनिटी और डिक्रीजिंग किस पर है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल पर है माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन ऑफ टू से फोर सो दिस इज योर फाइनल आंसर कि इन इंटरवल्स पर इंक्रीजिंग है और इस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है सो so, ये था आपके पास और पार्ट